हैप्पी न्यू ईयर गाइस 12 o'clock है 12 बज गए पूरे पूरे सेम टू यू थैंक यू और दोस्तों आप लोगों को भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक एंजॉय करो अच्छे से हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हो आप सब लोग आज हमें जाना है कहीं बाहर न्यू ईयर पे और ये देखो बुक्कड़ गई कि पता नहीं कब से खा रही है एक एक नूडल उठा खा रही है कितना टाइम लगेगा तेरे को अगले साल तक खा अजीब जानवर है कितना भी खाए फूका ही रहता है अगले साल तक तैयार होने में भी तेरे को एक घंटा दो घंटा खाने में भी इतना तैयार होने में एक घंटा नहीं लगता हा? कितना लगता है max 10 minutes वो कितनी बार पूछता हूँ मैं एक एक घंटे बाद एक मिनट झूठ है ये सब हर एक एक घंटे बाद पूछना पड़ता है लड़के लोगों का बस कंटेंट लग रहा है हर एक एक घंटे बाद पूछना पड़ता है कि भाई कितना टाइम लगेगा 10 मिनट वैसे ना मैं रोज तैयार होती हूँ रोज मेकअप करती हूँ तो मुझे ना आदत हो गई है मैं जल्दी मेकअप कर लेती हूँ वो तू खा क्या रही है ये बता पहले तो नूडल्स चिकन नूडल्स तो तू चम्मच से क्यों नहीं खा रही बोले कांटे वाले चम्मच से खाना हाथ से क्यों खा रही आ नहीं रहे अरे तो ऐसे गुच्छा बना के खाने एक बार में तुम्हारे जैसी थोड़ी तो किसकी जैसी है मैं हूँ एक परी जैसी वुमेन परी हूँ मैं तो हम जा कहाँ रहे हैं जा कहीं नहीं रहे हैं इसे सोचा रहेगा तो बाहर रहेंगे चल तो बाहर मिलेंगे ना बाहर तो गाइस मिलते हैं बाहर एक्चुअली कबाब खाना था लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि कबाब वाले के बस बहुत ज्यादा गर्दी रहेगी भीड़ बहुत होगी वहां पे नहीं बना पाएंगे हां व्लॉग भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे ना सैटरडे संडे था और 25 दिसंबर था उस दिन बहुत भीड़ थी ना बहुत भीड़ थी उस दिन और इन्होंने पहले सूप ही बोला था फिर उसके बाद में दूसरों की प्लेट में देख के इनको याद आया कि मुझे भी कबाब खाना है तो ठीक है तो पहले अपन कहीं घूम लेते हैं ना चलते हैं न्यू ईयर का एंजॉय करते हैं देखते हैं क्या चल रहा है अभी मुंबई में तो ठीक है भाई मिलते हैं बाहर मुंबई में फॉग चल रहा है फॉग मुंबई में फॉग नहीं चलता फॉग तो हमारे वहाँ चल रहा है पंजाब में बहुत ज़्यादा खतरनाक फॉग चल रहा है पर आज मौसम बहुत ठंडा है बाहर अच्छा मतलब जहाँ पे हम बैठे थे ना आज बर्गर किंग में खाना खाने के लिए वैसे थोड़ी कॉफ़ी पीने के लिए बैठे थे वहाँ जो हवा चल रही थी भाई साहब ऐसे दांत बज रहे थे मेरे ये बोल रहे थे कि मेरे मुझे तो कुछ नहीं हो रहा मैं बोली हाँ आपको कुछ नहीं होगा आप तो मोटी चमड़ी हो ना तो बाद में लगने तो लगी थी मुझे भी ठंड बाद में लगने लगी ना चल चलते हैं यार यहाँ से यार चल ठंडी लग रही है और फिर कहाँ बोल रहे जहाँ से हवा नहीं बोलती उसी तरफ चलते मुझे पागल हो पागल हो क्या नगमा पागल पागल हो रही है क्या चल जल्दी खत्म कर कैसे खा रही है तो दो घंटे तो लगा दिए एक मिनट ये देखो ब्लॉग स्टार्ट हुए 5 मिनट नहीं हुआ दो घंटे से मैं खा चल खा ले जल्दी है अगले साल खाऊंगी जल्दी खाओ तो गाइस इसको मैं लेके चलता हूँ बाहर है वीडियो में तो जल्दी खाएगी नहीं इसको जल्दी खत्म करवाता हूँ मैं मिलते हैं बाहर ये भाई का लास्ट दिन है आज ये जलेगा आज रावण की तरह ये जलेगा बस अभी और 2 मिनट है वैसे न्यू ईयर अभी स्टिल 2 मिनट दूर है 2 मिनट दूर है तो वी आर स्टिल वेटिंग बट पटाखे फिर स्टार्ट ही हो गए हैं पटाखे स्टार्ट हो गए हैं भाई साहब यहाँ पे अभी और 1 मिनट रह गया है सो गाइस यू कैन सी इट्स 11:59 एंड इसे देखा जाएगा तो ये हम दोनों का पहला न्यू ईयर है जो हम लोग साथ में मना रहे हैं हम लोग के रिलेशन को इतना साल हो गया हम लोग ने न्यू ईयर साथ में
हाँ एक बात और, हम लोग अब डेली बेसिस पे रील्स वगैरह ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं साथ में, तो लोग हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने शादी कब करी, शादी कब करी। पटाखे बहुत ज़्यादा सुन रहे रहोगे आप लोग को, सुन रहा हूँ 11:59 देखो जरा, तो 12 बजे कुछ ही सेकंड है बस। मुझे काश वो चीज़ करने थी 3, 2, 1 नहीं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं हमारा शायद। Happy New Year guys. 12 o'clock है। 12 बज गए पूरे पूरे। Same to you, thank you. और दोस्तों आप लोगों को भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक। Enjoy करो अच्छे से। Yes. ठीक है। खाओ पियो मजे करो। मजे करो। ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं अभी पेस्ट्री लेने। हम लोगों को कहीं भी पेस्ट्री नहीं मिल रही है। और आज finally हम लोग देख रहे हैं पीछे जा रहे हैं। दो तीन केक शॉप है, हमने के आ गए ऑलरेडी, वहाँ पे हम लोगों को नहीं मिली है, ये लास्ट रह गई है पीछे वाली, यहाँ भी जाएंगे अब, यहाँ देखते हैं अगर यहाँ मिल रही है तो जरूर यहाँ से ले लेंगे। ठीक है चलें, चलो भैया नेहा गई है अंदर। पता नहीं उसे कुछ पसंद आ रहा है या नहीं, हमें वापस किसी दुकान पर वहाँ भी नहीं मिला था। क्या करें भैया, कहीं भी नहीं मिल रहा तो क्या करें अब, क्या करें हाँ तो बता ना क्या करें, तो कुछ स्वीट तो खाना ही था तो अभी है नहीं तो भी क्या करें, इतना बड़ा केक लेके क्या करेंगे हम, 1 kg खा भी नहीं पाएंगे। हाँ छोटे छोटे केक भी नहीं, 1 kg का हम दो तो बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा स्वीट्स खाना था कि चलो न्यू ईयर हो जाएगा फिर, फिलहाल कुछ नहीं, फिर चलते हैं अब और क्या करें, चलो अब अपने एरिया में जाके वहाँ करते हैं। मैं आपको वहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे ना वो उसले से बनाते हैं। हाँ वो अभी वो जला रहे हैं, वो जलाएंगे उनको, मैं बताती हूँ आप देखते हैं लोग यहाँ, अगर यहाँ रास्ते में कुछ दिखता है तो आपको दिखाते हैं, वरना हमारे वहाँ पे तो है ही, वहाँ दिखाते हैं। ठीक है मिलते हैं। What is your New Year resolution? मेरा? हाँ कुछ नहीं है, लास्ट वाला जैसा था अब भी वैसा ही रहेगा। लास्ट में क्या था? लास्ट भी तो कुछ नहीं था। हेलो हेलो हेलो, सो गाइस देखो हम लोग पिछले साल से वीडियो बना रहे हैं और ये साल तक वीडियो ही बना रहे हैं, देख लो बस अभी इतनी वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग इतना सारा प्यार भी देते ना। हाँ है ना, ताकि मैं मेरे बाल स्ट्रेट करवा सकूं। ये तो बहुत छोटी बात कहती। न्यू ईयर पे चाय, आप लोग न्यू ईयर पे चाय कौन कौन पीता है ये बताओ। लोग दारू पी रहे हैं और ये लोग दारू पी रहे हैं और हम लोग न्यू ईयर पे चाय पी रहे हैं। यस बिकॉज़ हम बिगड़े हैं। यहाँ पे ना पता नहीं यार, मैं अभी वापस मैं बोल रही हूँ वो लोग वो पुतला जलाते हैं, मैं दिखाऊंगी यहाँ से जाते हुए, मतलब मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो अभी अगर रास्ते पे से ऐसे जाएंगे ना जैसे एक एक हर एक बिल्डिंग के सामने एक 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 उन लोगों ने जला देते हैं उनका। मुझे तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं भगवान, दबा के पैसे आ रहे हैं, दबा के टप 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 टप, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, दबा के हैप्पी न्यू ईयर, समझ नहीं आ रहा है, कल बस कल का दिन यही चलता रहेगा। हां हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, सेम टू यू। हां भाई उत्साह देखो, उत्साह उत्साह, कल और लोगों को ये नहीं पता कि भाई सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, लोग तो वही रहेंगे। लेकिन कल छुट्टी है, छुट्टी सब कितना प्यारा है ना, जिसने भी ये बनाया है वो कौन सा डायलॉग मार उसको भर भर के धन्यवाद, दुआएं भर के धन्यवाद, जितना आशीर्वाद दो उतना कम है। हाँ अच्छा जेठालाल, 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 अरे वाह ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जेठालाल हूँ, लड़का है जेठालाल, लड़की थोड़ी है। सो गाइस इस साल भी गए साल ये बात कर रहे थे, मैं बीच में रुक गई थी कि हम लोग अभी साथ में व्लॉग कंटिन्यूसली बना रहे थे, ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम मिल जाता है तो हम व्लॉग बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं ऑफिस से घर जाते टाइम, तो लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने शादी कर ली। लोगों को ये डाउट हो गया कि हम लोगों ने शादी कर ली है भाई, और मुझे तो मेरे ऑफिस में सारे लोग यही बोलते हैं तूने शादी कर ली है क्या, मैरिड आर व्हाट, यू आर स्टिल मेकिंग द वीडियोज विद हिम, मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वीडियो में शादी नहीं की है। शादी करेंगे तो पता चलेगा। पता चलेगा ठीक है, पता चलेगा, जल्दी पता चलेगा। हाँ जल्दी, पर अभी नहीं कर रहे। कब तक? ये साल में तो देखो, ये साल तक तो एक गुड न्यूज मिली जाए। लेट्स सी, वेटिंग वेटिंग, इवन आई एम आल्सो वेटिंग, सो लेट्स सी। हम लोग चाय एंजॉय करते हैं, आपको दिखाते हैं बाद में। वो सेंटा क्लॉज को जला रहे होंगे। सेंटा क्लॉज नहीं है वो। कौन है वो? कपड़े तो सेंटा वाले पहना रखे उन्होंने। सेंटा क्लॉज नहीं है वो, वो क्या कहते हैं इसको, मतलब कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि मतलब क्रिसमस से 5 दिन पहले, मतलब जैसे कि 28 दिसंबर को यहाँ पे लोग एक पुतला बनाते हैं। अच्छा। और मतलब उसको कुछ भी ऐसे कपड़े पहना देते हैं और कहते हैं कि पूरे साल की जो भी बुराई, मतलब कि उस साल में जो भी बुरा घटा था उस चीज़ को वो पुतला समझते हैं। अच्छा ये बात है। तो वहाँ तो लोगों ने सेंटा क्लॉज कपड़े पहने, मुझे लगा सर वो सेंटा ही है। नहीं, सेंटा को जलाते हैं, मैं तो ये समझ रहा था। मतलब ऐसा है, लोग जिसको जैसे कपड़े मिले वो वैसा पहना देता है, बट मुझे पता नहीं अब ये लोग, मतलब मोस्टली मेरे बिल्डिंग में तो यही लोग सब कहते हैं, एंड इवन मेरे डैड ने भी यही बोला है कि मतलब कि वो पूरे साल की जो बुराई होती है ना वो उस पुतले को समझ लेते हैं और फिर बाद में उसको लास्ट न्यू ईयर पे जला देते हैं। मतलब न्यू ईयर के जैसे ही न्यू ईयर आता है वैसे उसे जला देते हैं, मतलब कि सारी बुराई ये साल की यहीं पे जल गई, अगले साल भाई तू आ मत। ऐसा होता है। दिस इज ये सेम रावण वाला काम हो रहा है, मुझे लग रहा है इधर इनका रावण ऐसा, जैसे अपने वहाँ रावण जलाते हैं तो ये कैथोलिक लोग उस सेंटा क्लॉज को। कैथोलिक लोग का नहीं है ये चीज़। हाँ ये मुंबई में ही मनाते हैं। अच्छा सिर्फ मुंबई में ही है? हाँ, मुझे लग रहा शायद वो कैथोलिक लोगों का ही। ना, कैथोलिक लोग का नहीं है ये, तो मुंबई में ही लग, मतलब लोगों ने, मतलब कि ऐसे किसी एक बंदे ने बना दिया होगा। अच्छा, पुतला बना है तो ये अब... मुझे लगा शायद वो कैथोलिक लोगों का सिस्टम है ये सारा। नहीं नहीं, कैथोलिक लोगों का नहीं है, लोगों का ऐसा कुछ नहीं, ये हम लोगों ने ही, मतलब हम लोग, मतलब कि सब लोगों ने मिल के मनाया है मुंबई में, मोस्टली सब लोग ऐसे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे हमारे रावण जलाते हैं तो यहाँ ये कैथोलिक लोग इसे जलाते हैं, कहानी तो सारी सेम है वैसी। रावण का, रावण तो बीच में चलता है, नए साल के पहले थोड़ी चलता है, बट फिर भी उसको भी वही बोलते हैं कि प्रोसीजर तो सेम है ना सारा, बट इसको 10 दिन रखते हैं ना कि 10 दिन में सारी बुराई इसमें। अब गए साल तो ऐसा हुआ था कि लोगों ने उसको कोरोना बनाया हुआ था। अच्छा। कोरोना के टाइम पे ऐसे सब बना के भेजते हैं, डिपेंड्स, जैसे कि किसी के आजू बाजू लोगों में कोई बुरा इंसान रहेगा तो उसको समझते कि हाँ उसकी जैसी बुराई इसमें है, तो जैसे कि दारू पीने की बुराई तो जो दारू पीने की, तो फिर हर दूसरा बंदा, हाँ तो ऐसा होता है ना कि हर दूसरा बंदा दारू पी रहा है, कि मतलब एक इंसान होता है ना कि एक लिमिट में पीता है इंसान, और दूसरी बात ये होती है कि जो बेहद पीता है, सो वो चीज़ उसे नुकसान देती है, बाद में उसकी फैमिली को भी होगा ना। तो वो अभी भी देखोगे वो दिखाया था जो सेंटा, उसके हाथ में बॉटल दी हुई थी, एक रॉयल स्टैग की बॉटल थी उसके हाथ में, दारू पीने वालों की आदत, बुरी आदत आज ही जल जाए, अगले साल से इतनी बुरी आदतें ना लगेंगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट। ठीक है गाइस, हम लोग निकलेंगे अभी तो दिखाते हैं वहाँ आपको, अगर वो जला रहे होंगे तो आपको जरूर दिखाते हैं। ठीक है, बने रहो, रात में भी शाइन कर रहे हैं। अभी तो तू कह रही थी करवाना है कुछ इनको। नहीं, मुझे स्ट्रेट करवाना है मुझे इनको। अच्छा, बट आप लोग मुझे बताइए मैं स्ट्रेट करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। आप लोग कहो नहीं, आप लोग कहना नहीं, आप लोग कहना हाँ। चलो ठीक है। तो गाइज हम लोग आ गए हैं घर, बाहर भाई साहब लोग पी के घूम रहे हैं, मजे से एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये अब घर जाएगी अपने मोहतरमा। ठीक है, मेरी कैब आ रही है, इसकी कैब 10 मिनट में आ जाएगी और ये अपने घर जा रही है। yes. और हमारा हो गया भाई एंजॉय, चाय पी के आए हैं, बस खत्म। ये है न्यू ईयर अपना। ठीक है, कल मुझे वापस जॉब पे आना है। आपका क्या न्यू ईयर है? मेरे कल मेरी छुट्टी खा गई। चलो ठीक है, कोई ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे व्लॉग ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, मजे करो, एंजॉय करो। ठीक है, करो। सो संडे है, सो पे मंडे को छुट्टी तो है तेरी, फिर वो तो है, बट फिर भी संडे की छुट्टी होती है। छुट्टी तो छुट्टी होती है, कभी भी हुआ नहीं, पर संडे की छुट्टी होती है। तो संडे को कह दे, तू संडे की छुट्टी दे दे, मेरे को मंडे को नहीं चाहिए। बोला उसने नहीं दे रहा। चल ठीक है, चल बाय कर दे फिर। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में फिर से एक बार। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है,
मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।